हाय फ्रेंड, आज आपको एक सैमसंग टीवी का नो साउंड का प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। तो हमने कोई कस्टमर घर में बैठ के वीडियो बना रहा है, तो इसमें देख रहे कि साउंड नहीं आ रहा है। तो हम टीवी खोलने से पहले, तो इसको पहले हम इसका मेनू में चेक किए, सेटिंग में। तो मेनू में सेटिंग चेक किए तो देख रहे साउंड तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेनू में सेटिंग में जाके चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं इसमें इक्वलाइजर ऑप्शन आ गया। हालांकि इक्वलाइजर सेट नहीं है, मोनो सेट है, क्या कि इसका पहले हम काम किए थे, इसके लिए पता है हमको। तो ये मोनो सेट है, तो इसका सर्विस मोड से ऑप्शन से ये मोनो से स्टीरियो ऑप्शन में आ गया, मानी इक्वलाइजर ऑप्शन पे आ गया। ठीक है, इसलिए इसका साउंड शायद नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको सर्विस मोड खोल के एक बार सेट करके देख ले रहे हैं। देखिए इसमें इक्वलाइजर ऑप्शन आ गया, देखिए बेस टीपी आ गया, इसीलिए साउंड नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। सामने वॉल्यूम भी है ठीक इसका, देखिए ना वॉल्यूम इसका पूरा है। उसके बाद सेट टॉप बॉक्स का रिमोट को भी, सेट टॉप बॉक्स का रिमोट भी वॉल्यूम चेक किया, उसमें भी पूरा है। ठीक है, तो हम इसको सर्विस मोड ओपन कर रहे हैं, पहले इसको बंद करें स्टैंड बाई से। सर्विस मोड आप लोग जानते हैं कैसे खोलना पड़ता है सैमसंग टीवी में, ये सैमसंग का टीवी है। ठीक है, तो इसके लिए पहले पावर ऑफ करना पड़ेगा रिमोट से। उसके बाद डिस्प्ले मेनू म्यूट पावर ऑन, ठीक है पावर ऑन किया है, पावर ऑन हो रहा है, थोड़ा आने में लेट हो रहा है, आने दीजिए। ठीक है, सब म्यूट खोलने के बाद ये ऑप्शन पे गए, ऑप्शन के जाने के बाद हाँ देखिए स्टीरियो पे आ गया, देखिए सेकंड पोजीशन में, देखिए स्टीरियो। तो इसको मोनो करना है, मोनो करना सबको आशा है साउंड आ जाएगा। ठीक है, देख ले रहे हैं, हाँ देखिए आ गया, मोनो करने से आ गया, देखिए स्टीरियो करने से चल जाएगा। ठीक है, इसको मोनो करना है, तो इसके बाद फिर बंद करके फिर चालू करना है। देखिए आ गया साउंड। ठीक है, अब आपको इसका भी साउंड का प्रॉब्लम आया, तो पहले ही देखिए कि इसका सेटिंग सही है कि नहीं है। साउंड का सेटिंग स्टीरियो है कि मोनो है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ अलग से चेंज करने का सोचिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा।